प्राइस जो इसका रहने वाला है बेस वेरिएंट का 11 लाख के आसपास पहुंचेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। हम जिमनी देख के आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसा रहा हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, स्पेशली फैमिली का कैसा रहा। तो मोनिका और अक्षु जो मेरा बेटा है दोनों साथ में गए हुए थे। प्लस हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई जिमनी कैसी लगी हमें, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी लगी, क्या चीज़ें हमें ख़राब लगी और कब तक उसका प्राइस वगैरह आने वाला है, कब तक उसकी डिलीवरी वगैरह मिलेंगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। बाकी पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी ना सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा जिमनी के साथ, क्योंकि देखो हरविंदर ने ऑटो एक्सपो में देखी थी ऑलरेडी, हमने बिल्कुल नहीं देखी थी, बट अंदर से हरविंदर ने भी नहीं देखी थी। हाँ, बैठ के हाँ। और क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब लेग स्पेस कितना है, हेड स्पेस कितना है, वो सब चीजें बिल्कुल भी चेक नहीं हो पाई थी उस टाइम पे। और देखो यूजुअली शोरूम्स पे ना हमेशा जब भी डिस्प्ले वाला पीस होता है वो टॉप मॉडल आता है, तो टॉप मॉडल में क्या क्या मिलेगा, बेस मॉडल में क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें तो आप ब्रोशर डाउनलोड करके बड़े आराम से चेक कर सकते हो। बिल्कुल, कैसी हेडलाइट मिल रही है, कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, उस पे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे पड़े हुए जिमनी के बारे में। लेकिन हाँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बैठने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्या चीज आप महसूस कर रहे हो, आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज, बूट कितना है, बूट में कितना आप सामान रख सकते हो, वो सारी चीजें जो है हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो प्रैक्टिकली। तो ये जिमनी को हम देखने गए थे बेम्बोलिम नेक्सा के शोरूम पे, जो साई का, हाँ साई पॉइंट करके उनका नेक्सा का शोरूम है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे गए थे। और इवन दो गाड़ी को अनवेल भी मैंने ही किया था और एक और जो चीफ गेस्ट आए हुए थे हम लोगों ने। तो अब बात करते हैं गाड़ी के, सबसे पहले फ्रंट सीट पे बैठने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या उसमें आप महसूस कर रहे हो। तो अगर हम बात करें तो ये टॉप वेरिएंट है और हमने जो बुक किया है वो किया है बेस वेरिएंट। तो भाई जो फीचर्स आपको इसके स्टेयरिंग में या फिर इसके इंटीरियर में आपको दिख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे फीचर्स हमें उसमें बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल वगैरह हो गए, म्यूजिक सिस्टम वगैरह ये हो गए, बाकी टच स्क्रीन वगैरह हो गया जो इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन लगा हुआ है, तो वो सब चीज़ें जो है हमें बेस में नहीं मिलने वाली। बात करते प्रैक्टिकली भाई लैग स्पेस की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइवर साइड वाले की। तो लैग स्पेस में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है ड्राइवर साइड, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई नहीं लैग स्पेस कम है, हेड स्पेस भी कम है, गाड़ी बहुत छोटी लग रही है, बहुत अंदर बैठने के बाद में ना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो ड्राइवर सीट पर अगर हम बैठते हैं तो कोई भी मतलब आपको ऐसा अनकंफर्ट फील नहीं हो रहा है, इवन दो गाड़ी की जो सीट पूरी पीछे करने के बाद में भी काफी अच्छा लेग स्पेस रह रहा है। तो अब मैं बात करती हूँ को पैसेंजर सीट की। तो को पैसेंजर सीट पे मैंने ही बैठ के देखा और मतलब दो मेरी हाइट कम है बट फिर भी हेड स्पेस इतना तो नहीं, पर हाँ अप्रोक्सीमेट इससे थोड़ा कम मेरे को लगा, बट ऐसा नहीं है कि फ्रंट सीट पे हेड स्पेस कम था। एंड सेम चीज लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो लेग स्पेस भी सफिशिएंट लगा मुझे। यूजुअली मारुति की गाड़ियों में देखो लेग स्पेस तो फ्रंट सीट पे होता है, अच्छा होता है, और वैसा ही था। मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आगे पैर अड़ रहे हैं या पैर खोलने को जगह नहीं है, परफेक्ट लगा मेरे को। तो अब बात करते हैं रियर सीट की। भाई रियर सीट में लोगों ने ज़्यादा कंप्लेन की थी इस चीज़ की कि लैग स्पेस बहुत कम बच रहा है रियर सीट पे। तो वो बैठ के देखते हैं तो रियर सीट पे अगर मैं बैठता हूँ, मेरी हाइट है 5'9", तो हेड स्पेस मुझे थोड़ा सा हल्का कम लगेगा। 6 फुट का बंदा बैठ रहा है तो ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं बच रही है, हेड स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा अगर 6 फुट का बंदा बैठ रहा है। तो 6 से कम हाइट है तो आपको आराम से 2-3 इंच ऊपर जगह रह जाएगी। लेग स्पेस में बिल्कुल भी मुझे कोई कमी फील नहीं हुई है इसमें, लेग स्पेस बिल्कुल कंफर्टेबल लगा मुझे, आगे मतलब आराम से पैर खोल सकते हो आप। जबकि जो को पैसेंजर सीट थी वो मैंने बिल्कुल उनसे बोला पीछे करके, फुल पीछे कर दो, देन मैंने ये चीज़ चेक की तो वो बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल वहाँ पे मैं बैठ पा रहा हूँ। हाँ, जो थाई वाला पोर्शन है जिसपे क्या हम जो विड्थ है सीट की वो थोड़ी सी आपको कम लगेगी उसमें, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा ये
पतली है, मतलब छोटी है, थोड़ी सी चौड़ाई और आगे होती तो कंफर्टेबल पीछे ना बंदा बैठ पाता, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फील हो रहा है। तो देखो अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस जैसे अगर मैं बोलूं कि बहुत बूट स्पेस है, उतना तो नहीं है, हाँ, बट है आराम से आपका खासा है। हाँ, अगर तीन लोगों का आपका लगेज है और आप तीन लोग के साथ ट्रेवल कर रहे हो, एक आराम से बड़ा बैग बहुत आराम से आ जाएगा और एक छोटा बैग। हाँ, तो मतलब आराम से आप छोटा मोटा सामान पीछे आराम से रख सकते हो, तीन लोगों का सामान मतलब आप रख सकते हो आराम से, जैसे हम लोग की तीन की फैमिली है। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने बताया। और प्लस पॉइंट ये है, अगर आप दो लोग ट्रेवल कर रहे हो या ऑफ रोडिंग पर जा रहे हो और आपको मतलब थोड़ा ज्यादा सामान रखना है, तो आप रियर सीट जो है पूरी फोल्ड कर सकते हो नीचे, और बूट स्पेस आपका ना काफी बढ़ जाएगा उसके बाद। हाँ, फिर तो बूट ही बूट है, फिर कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं गाड़ी के थोड़ा एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर कैसा लगा। तो रियर लुक की पहले मैं बात करूँ तो रियर लुक मुझे बहुत पसंद आया इस गाड़ी का, इवन दो वो तो मैंने ऑटो एक्सपो में देखा था तभी मुझे पसंद आ गया था जो रियर प्रोफाइल है। विड्थ आपको थोड़ी सी इसकी कम लगेगी, जैसे कि दूसरी गाड़ियां उनके हिसाब से भाई थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ी पतली है। लंबाई की अगर हम बात करें तो गाड़ी की लंबाई में कोई कमी नहीं है, एकदम बढ़िया परफेक्ट लग रही है। साइड प्रोफाइल मतलब आपको बड़ी अच्छी लगेगी इस गाड़ी की। हाँ, देखो साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल दोनों दमदार हैं इसमें। अब बात करते हैं गाड़ी की ना हाइट की, तो हाइट आपको थोड़ी इस गाड़ी की कम लगेगी, मतलब अगर आप साइड में खड़े हो, मैं साइड में खड़ा था तो मुझे उसकी रूफ पूरी दिख रही थी, थार वाली हाइट इसमें नहीं मिलने वाली, थार से इसकी हाइट काफी कम है। तो देखो अब आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट का जैसे अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस में देखा था या ऑटो एक्सपो के जितने भी वीडियो शेयर हुए उन सब में मैंने फ्रंट जो देखा था, तो मुझे कैसा लग रहा था पर्सनली कि एस्प्रेसो जैसा फ्रंट, कि एस्प्रेसो वाला फ्रंट है इसका। बट जब मैंने एक्चुअल में कल देखा तो नहीं, वैसा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी पतली जरूर है गाड़ी, वो तो है मतलब, बट फ्रंट अच्छा है, बुरा आप उसको नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि रियर जितना दमदार है, बट अच्छा लग रहा है। तो जी अब बात करते हैं ओवरऑल गाड़ी कैसी लगी। तो अगर देखो हम इसे कंपेयर कर रहे हैं थार से, तो वो चीज़ तो फिर यहाँ पे गलत है, क्योंकि इंजन में भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे और हम उसकी जो डायमेंशन है उनके हिसाब से भी जो है हम कंपेयर नहीं कर सकते थार से। थार की हाइट भी ऊंची है, थार की विड्थ भी ज़्यादा है। हाँ, लंबाई थार की इतनी नहीं मिलेगी आपको, पर हाँ थार से तो कंपेयर करना इसका यहाँ पे नहीं बनता है। ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी मुझे बहुत बढ़िया लगी देखने में, और मतलब अंदर बैठ के भी अच्छा फील आया है, ऐसा नहीं है कि बैठ के बल्कि अलग लग रहा है। देखो ऑफ रोडर के हिसाब से कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जो जैसे क्लस्टर मीटर की बात करें तो वो मुझे बड़ा यूनिक लगा, ऐसा मतलब सुंदर सा दिखा। अगर मैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि भाई गाड़ी मुझे अंदर से बैठ के कैसा फील हुआ, तो मुझे देखो अंदर बैठ के एकदम बढ़िया फील हुआ। ऑफ रोडर वाली भी बात थी उसमें, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी साथ में रखी गई है। हाँ, और थोड़ी सी आपको ना गाड़ी हल्की लगेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई थोड़ी सी जो है बिल्ड क्वालिटी और जैसे ऑफ रोडर होती है उनके हिसाब से थोड़ी हल्की रखी गई है, और ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हल्की होने की वजह से ही। अगर हम बात करें जिप्सी की, तो जिप्सी इसीलिए सक्सेस थी क्योंकि वो गाड़ी ना हल्की थी और वो स्नो वगैरह पहाड़ों में हर जगह ऑफ रोडिंग में सबसे नंबर वन हो जाती थी। तो यहाँ पे ना ये दोनों तरीके से आप देख सकते हो, हल्की है भी बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि हल्की है, दैट्स बिकॉज़ वो हिल्स में सक्सेसफुल रहेगी। तो अब एंड में बात करते हैं भाई प्राइस की, प्राइस कब तक आने वाले हैं। तो प्राइस देखो या तो मई एंड वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, और यहाँ पे बिल्कुल देखो भाई डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मैं नहीं बहुत सारे कस्टमर हैं जो प्राइस का वेट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मैटर वही करता है प्राइस। जब भी आप कोई गाड़ी ले रहे हो तो सबसे पहले अपना बजट देखा जाता है, लेकिन अभी तक हमें गाड़ी का प्राइस नहीं पता है तो बजट कहाँ से बनाएगा आदमी। और बजट भी अगर छोड़ो ना आप, तो चलो ठीक है बजट तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बट जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो उस बजट में तीन चार गाड़ियां आप कंपेयर करते हो आपस में, देन किसी एक पे पहुंचते हो। हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस जो है इसका नेगेटिव साइड में जा रहा है, ये कंपनी की बड़ी लापरवाही आप कह सकते हो कि सामने वाले के पेशेंस के साथ खेलना, क्योंकि कैसा होता है देखो एक लिमिट तक आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट किया जाए तो अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद हर कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगता है कि भाई इसका तो पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कब देंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि प्राइस जो इसका रहने वाला है बेस वेरिएंट का 11 लाख के आसपास पहुंचेगा, मतलब एकदम अगर हम सोच रहे थे कि 9 लाख या
8 लाख के बजट में आएगा बेस वेरिएंट, तो वो नहीं आने वाला, ये चीज तो माइंड से निकाल दो। बेस वेरिएंट कम से कम 11 से शुरू होगा। हाँ, सो गाइस, जो जैसा हमने फील किया बैठ के गाड़ी में, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करी, एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प करेगा आगे। आपको अगर जिमनी के बारे में कुछ आप सोच रहे हो, माइंड में आपके कुछ डाउट हो, क्योंकि हर आदमी जिमनी में बैठ के नहीं देख पा रहा, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ उसमें हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।